आफ्ताब इकबाल, आफ्ताब इकबाल एक ही हैं? नहीं, वो तो एक ही हैं और एक ही रहेंगे। खा के किसी दा बुराई ना करो, क्या बात है। ये इंसान को बताते हैं कि तेरी औकात की है, कौन कितने पानी में है। यस यस। अच्छा वैसे सुने, हर जो कॉमेडियन है जो इन्हें छोड़ के गया है वो नहीं छोड़ के जाता, खुद ही नहीं, नहीं खुद ये निकालते नहीं है। हाँ हाँ, इनकी ये खूबी है। जो भी कॉमेडियन के शो से गया है ना, वो तब भी गया है जब उन्हें कोई और चीज़ मिली है, प्रोग्राम मिला है। ठीक है, मैंने सुना है अवैध कॉमेडियन है जो अपनी तबीयत की वजह से गई थी और एक नए शो की वजह से पैसों के लिए नहीं गई, इनको छोड़ के। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह आज भी ऑफर है कि मैं सिर्फ और सिर्फ जाके एक सेगमेंट कर सकती हूँ। तो इन्होंने मुझे जीना सिखाया, इन्होंने मुझे कहा कि ज़िंदगी एक दफ़ा मिल रही है, मुझे नहीं दुनिया को बताते हैं। और मैंने इनसे सीखा है कि हम लोग जो कुर्बानियाँ, कंप्रोमाइज़, ये सब जो है ना। और ये पता मुझे तब लगा जब मैं बीमार हो गई, और अब मुझे ज़िंदगी का मज़ा आ रहा है। मैं अपनी लाइफ का, मैं, मेरे पास पैसे हैं, मैं वो सब कुछ नहीं खा सकती जो मैं फिल्मों में, ड्रामों में या किताबों में पढ़ती थी कि हमारे पास तब पैसे आते हैं। अल्लाह ने पहले भी, मैं सब कुछ खाती पीती थी। मैंने एक तो आपको पता है मैं अरैण हूँ, तो मजांग दी अंदरून दी मैं रहन वाली, खाण पीण वाली। लेकिन आज मैंने जो दिल जो मैं खानी हूँ मैं नहीं खा सकती। पहले डाइटिंग करते रहे, पहले वो जिम जाते रहे, एक्सरसाइज करते रहे, सारी ज़िंदगी 14 साल अपनी लाइफ में किस तरह गुजारे। तो हूँ सब कुछ है, तो हूँ वो तुम खा नहीं सकते। तो मुझे बताओ आपने चर्स पीना भी छोड़ दिया? नहीं, हूँ मेरे को भरी नहीं जाती, मेरे हाथ काट देने नाले। मैं चर्स भी बियर भी तेरी चर्स मैनू क्या है? मैं सात हज जिन्हें किए ने उन्होंने तू चर्स की गल करना पे परे परे इतने सोटी खा मजाक कर रहा था क्या? अच्छा अच्छा, एक चीज़ मुझे बता, ये सब दो तरह के कॉमेडियंस होते हैं, ठीक है? एक होते हैं जो कि लाइव प्रोग्राम में इनकी बुराई कर देते हैं, कुछ बाकी जो कॉमेडियंस होते हैं ना वो पीठ पीछे करते हैं, कैमरे पे नहीं करते। तो सारे कॉमेडियंस ऐसे क्यों करते हैं? क्या सारे कॉमेडियंस छोड़ कर जाते हैं? ठीक है, देखें कुछ कैमरे पे करते हैं, कैमरे के पीछे करते हैं। देखो मैं आपको एक बात बता रही हूँ, कैमरे के पीछे या कैमरे के सामने ये जो है ना बुराई करना, एक तो गीबत साढ़े वैसे मज़हब अल्लाह माफ़ करे, हसद अल्लाह माफ़ करे, खुदा की बनाई हुई यानी अल्लाह ताला ने आफ्ताब इकबाल को इज्जत दी है, ऐसे कौन होने सड़न वाले? यानी कि अल्लाह ताला के फैसले क्या गलत हैं? अल्लाह माफ़ करे तौबा इस्तग़फ़ार। तो आफ्ताब इकबाल साहब के साथ जो जड़ा लगे है ना, मेरा एक इंटरव्यू प्रोग्राम है ईद का, आप देखिएगा, उसमें उन्होंने मुझे कहा रूबी आप मेरे पास तब आए हो जब आप सारा कुछ विन कर लिया हुआ आपने, और आपको वो लाइन लगानी चाहिए कि इन्होंने मुझे कहा कि आप मेरे पास तब आए हो जब आप माशाल्लाह हर जगह से आप कामयाब होके आए हो, लेकिन बाकी जो लोग गए हैं सिवाय नासिर सनियोटी के, अमानुल्लाह साहब के, बाकी सारे वहीं जाके वहीं जाके जफरी भी, हाँ जफरी, जफरी तो माशाल्लाह हीरो, जफरी ने भी माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी आप देख लेना सारे अल्लाह ताला ने अब इनके साथ लगे तो काम किए तो सबको स्टार बनाए इन्होंने, हमें नहीं। मैं तो इनको आज भी बाप का दर्जा देती हूँ, ये कल भी मेरे बाप थे और आज भी मेरे बाप हैं। मैं हमेशा इनकी रिस्पेक्ट करती हूँ क्योंकि मुझे इन्होंने जीना सिखाया। अच्छा मुझे बता आप इनके कैफे गई? कैफे बढ़ा के समझ लें वो अपने हथी थे आए हैं। अच्छा जी, नहीं वो कैफे वो फ्री खाना मिल जाता है आपको? खाना तेरे सामने ये सैंडविच मैंने क्यों खाया? क्योंकि मैंने दवाई खानी है, वरना मैं कुछ खा ही नहीं सकती। अब तो बाहर का मैं घर की सादी फिक्की, मेरा डॉक्टर बहुत अच्छा है, डॉक्टर भी इनका दिया हुआ है यार। ये कितनी मज़े की बात है, मुझे आफ्ताब इकबाल साहब ने कहा तुमने जाना है डॉक्टर सब्जवारी के पास और मेरी तबीयत ख़राब होगी ना रात को, तो तुमने सब्जवारी के पास जाना है। मैंने कहा जी अच्छा, मैं उनके पास चली आती। मैं उनके पास गई तो सब्जवारी साहब ने मुझे 2 घंटे में सारे मेरे टेस्ट वेस्ट चेकअप वगैरह करने के बाद उन्होंने कहा रूबी अगर ठीक हो ना तो आफ्ताब इकबाल को छोड़ दो। उन्होंने कहा अगर तू अच्छा, ये मैं टीवी पे ये प्रोग्राम में बता रही हूँ और ये हमेशा बात रहेगी। तो मैंने कहा जी मैं मतलब जॉब कर रही हूँ उनके पास और पिछले 10 साल से काम कर रही हूँ और मैंने भेजा भी उन्होंने तोड़े को। उन्होंने कहा जे जिंदा रहने तेन छोड़ दे। मैं कहने मैं तेन दवाई तद लिख के देंगी तो पहले मैंने कह के तू छड़ नहीं। फिर मैंने सर को फ़ोन किया, मैं क्या बॉस है? बॉस कहते तू एक सेगमेंट कर लिया करा के,
मैंने उनसे कहा, मैंने मैं कहा एक सेगमेंट मैं कर लिया कर लूँगी, यानी कि एक पोर्शन जो चार पीसेस होता है उसमें से एक टुकड़ा मैं कराऊँगी। कह नहीं, फिर मुझे छोड़ना पड़ा। और अब भी मुझे बॉस कहते हैं तेरा अपना कार है, तेरा अपना चैनल है, तो जी तो मर्जी वापस आ। लेकिन मैं सब्जवारी साहब ने मुझे मना किया, इसलिए मैं नहीं करती। तो ऐसा हो सकता है आप अपनी जगह मुझे हाँ मेकअप करना होगा ना, मेकअप नहीं, मेकअप करके मैं नहीं, तेरा मेरे मुंह च नहीं मीदा फर्क रह गया बेटा। वो जो जुड़ा का तेरा मुंह इंज दा ही मेरा हो गया है। मैं जिन्नियां टेंशन ले रही हूं आजकल इंज दा मुंह मेरा है ना, हैरान हवनक इंज लगदा। अच्छा तू ना मुंह ऐ ना करया कर, तेरे मुंह च बंदा ने पहले ही माशाल्लाह काफी बेड़े गर्क किए ने तेरे, नासा ना फुलाया कर, बहुत भैड़ियां ने। नहीं मैंने मैंने फुलाता।